मुंबई दीपोत्सव व नमो उत्सव में शामिल हुई उत्तर पश्चिम जिला की भाजपा उपाध्यक्ष शहनाज अहमद अली खान। जी हां, आपको बता दें कि दीपावली की पूर्व संध्या पर 9 नवंबर 2023 की शाम को गिरगांव चौपाटी स्थित थक्कस क्लब हॉल के परिसर में कार्यकर्ता स्नेह मिलन यानी की सांस्कृतिक कार्यक्रम दिवाली की पूर्व संध्या पर आयोजित किया गया, जहां पर भाजपा के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी में इस कार्यक्रम को गीत संगीत के बीच सम्पन्न किया गया। खास बात है कि उत्तर पश्चिम जिला के उपाध्यक्ष शहनाज अहमद अली खान भी इस कार्यक्रम में पहुंची थी, जहां पर उन्होंने सभी बड़े नेताओं से मुलाकात कर आम जनमानस के हित के लिए सुझाव पर भी चर्चा किया। बता दें कि शहनाज अहमद अली खान भाजपा नेता होने के साथ साथ शहनाज नर्सरी की ओनर भी है। बेहद खास बात यह है कि शहनाज अहमद अली खान एक अच्छी समाज सेविका है, जो कि निडर और बेबाक है। सर्वप्रथम जनमानस के लिए खड़े होना, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करना ही अपना दायित्व समझती है। आज का जो हमारा कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको सबको एक दूसरे से मिलाने के लिए, एक दूसरे के लिए शुभ दीपावली कहने के लिए एक दूसरे गले मिलेंगे और सद्भावना और प्रेम की भावना बढ़ेगी और ज़मीनी से मिल के लोगों को कार्य करना है, इसलिए लोगों की भावनाओं को अपने को बढ़ाना है। ये मोदी जी के नेतृत्व में ही कार्यक्रम हुआ है ये, और हम जो हर साल की तरह इस साल भी हम इसको दिवाली मिलावा प्रोग्राम के नाम पे इसको रखा गया है और लाखों की संख्या में लोग आए यहाँ पे और एक दूसरे से गेट टुगेदर मिले, खाए पिए, आनंद लिए। रंगारंग प्रोग्राम भी हो रहा है, गाना बजाना भी हो रहा है, नाच गाना भी हो रहा है और बड़े से बड़े जितने भी मुंबई के कार्यकर्ता हैं सब लोग ने आए यहाँ, एक दूसरे को मिले हैं और बहुत ही एक दूसरे से खुश हुए। आपके साथ सेना को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं मेरी आदरणीय बहन शहनाज अहमद खान के बारे में यही कहना चाहूँगा कि मेरी शहनाज अहमद खान बहन जो है एक नारी सब पे भारी, और उनका ये नारा है कि सबका साथ सबका विकास, ना वो उनको हिंदू न मुसलमान, सबके लिए एक साथ एक तरह से काम करना चाहती है वो, और सबके लिए एक ही सुर में सबको देखना चाहती है कि ऐसा नहीं कि ये मुसलमान है मैं इसको ज़्यादा सपोर्ट करूँ, ये हिंदू है इसको नहीं, ऐसा नहीं। जो गलत है वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और जो जैसा है उसके लिए वैसे ही वो उनको सपोर्ट करती है। बाकी मैं ये कहूँगा कि एक नारी सब पे भारी, और बाकी का जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश। मैं दिवाली की सबको अपनी शुभकामनाएं देती हूं और हम हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए बोला। मैं दिवाली की सब अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देती हूं और गुजारिश करती हूं सब लोगों से कि सब इसी तरह मिलजुल के रहे, और मुझे बहुत अच्छा लगा हमारी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होके, और यही एक नारा रहा है हमारा हमेशा, सबका साथ सबका विकास, और मोदी जी के इस नारे को हम बहुत आगे तक सबका साथ सबका विकास लेकर जाएंगे। जय हिंद।